दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करें टेक्निकल यू को, लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए इस बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल यू में। मैं ही योगेश, मैं आज आपके लिए जियो फोन के बारे में हम बात करेंगे। जियो फोन जो कि अभी लॉन्च हुआ है आज ही, तो जियो फोन आपको खरीदना है या नहीं खरीदना है उसके बारे में आज आपको बताता हूँ। पहले तो उसके फ्यूचर के बारे में, डिटेल में जो फ्यूचर है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं जो कि गैजेट्स टीवी में बताए गए हैं। तो उसके बाद में देखिए, यहाँ पर जो बताया गया है कलर ब्लैक है, कंटिन्यूसली ब्लैक कलर में मिलेगा। उसके बाद में रिमूवेबल बैटरी है, उसके बाद में इसकी स्क्रीन साइज़ है 2.40 mm, उसके बाद में है जो 240x320 pixel है। उसके बाद में जो प्रोसेसर है इस फोन के हिसाब से तो ये बहुत ही ठीक लग रहा है मुझे, 1.2 GHz प्रोसेसर है। उसके बाद में रैम है उसकी 512 MB तक की रैम है। उसके बाद में 4 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है। उसके बाद में माइक्रोएसडी सपोर्टेड है। उसके बाद में 2 मेगापिक्सल का कैमरा है। उसके बाद में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि स्पेशल जियो की ही iOS है, जो कि KaiOS नाम से है। उसके बाद में वाईफाई सपोर्टेड है, उसके बाद में वाईफाई स्टैंडर्ड सपोर्टेड है, उसके बाद में GPS भी है, उसके बाद में ब्लूटूथ है, NFC भी इसमें है। उसके बाद में यहाँ पर जो एक इंफ्रारेड पोर्ट और उसके बाद में USB सपोर्ट करता नहीं है। उसके बाद में हेडफोन जो है, हेडफोन तो कोई भी हैंडसेट सपोर्ट कर लेता है। उसके बाद में FM भी सपोर्ट करता है। उसके बाद में इसमें है 3G तो नहीं है, लेकिन ये GSM है शायद, इसमें कोई भी यूनिवर्सल सिम चल सकता है। GSM CDMA नेटवर्क है शायद, यहाँ तक अभी कंफर्म नहीं बता सकता मैं आपको। जियो का छोड़ के उसमें दूसरा सिम चलेगा या नहीं, शायद नहीं चलेगा उसमें दूसरा फ़ोन, उस दूसरा सिम, तो उसमें आपको जियो की ही सिम यूज़ करना है, उसमें नैनो सिम बैठेंगी। उसके बाद में सपोर्ट है 4G/IM 40 band जो कि YCLT सपोर्टेड है। उसके बाद में कंपनी मैग्नेटो ये कोई भी सेंसर इसमें सपोर्ट नहीं करते हैं। बट आपको लेने के लिए मैं आपको सुगेस्ट करूंगा कि अगर 1500 रुपये में आपको 4G हैंडसेट मिल सकता है तो आप बिल्कुल ले लीजिए। और इस फ्यूचर इस फ़ोन की जो खास बात मैं आपको बताने वाला हूँ, ये खास बात यह है कि ये फ़ोन कोई भी आपका डब्बा TV हो या LCD हो उसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। 2 या 3 घंटे तक स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, कोई मैच हो क्रिकेट का कुछ भी आप देख सकते हैं। इसके लिए तो 1500 रुपये में तो आपको बेटर मिल रहा है भाई। आप अगर लेना चाहते हो तो प्लीज़ ले लीजिए, जल्द से जल्द बुक कर लीजिए। कैसे बुक करना है उसका वीडियो मैंने बनाया है, आप देख लीजिए एक बार। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।